हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं इस खेत के अंदर फसल को उर्वरक और पानी देने हम आए हैं, जो कि थोड़ी देर बाद हम ये मोटर चालू करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो है मकई की फसलें कितने कितनी बड़ी हो गई है। देख सकते हो यहाँ पे हरियाली हरियाली है गाइस, कितने बड़े बड़े ये फसल हो गई है। बड़ा मजा आया हमको तो यहाँ पे आके, खुशी हुई। तो गाइज, हमारी फसल को नुकसान न हो इसलिए हमने एक गजब सा जुगाड़ किया हुआ है, जैसे कि बूंद और नीलगाय ना आ सके इसलिए हमने यहाँ पे, मैं दिखा दूँ तो ये लकड़ी देख सकते हो और ये तार हमने लगाए हैं। तो जैसे ही बूंद यहाँ से प्रवेश करेगा तो ये गाइज तार है ना, तार को जब ये बूंद या कोई जानवर छुएगा तो वो भाग जाएगा और यहाँ पे हमारी फसल ऐसे बर्बाद होने से बच सकती है। तो गाइज, आज हम फसल को पानी देने आए हैं, इसलिए पूरे दिन यहाँ पे रहेंगे और कुछ कुछ टाइम पास करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम बोर ना हो जाए इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गाइज, यहाँ पे मैंने तार तो बंधा हुआ है मगर मुझे शिकार कर देगा ये तार। चलो गाइज, मैं अब मोटर चालू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये रही मोटर और घोड़ा ऑन करना पड़ेगा, तो ये रही और अब स्टार्ट होगी, एक दो मिनट के बाद स्टार्ट होगी गाइस। गाइस देख सकते हो ये रही पाइपलाइन और इसको है ना, इधर आ गया पानी। एक मिनट के बाद गाइस पानी आ गया, ये क्या ठंडा ठंडा पानी, ये रही पानी का फोर्स काफ़ी बढ़िया है। गाइज यहाँ पे पानी आ गया है और बगुल भी आ गया है जीव जंतुओं खाने के लिए। तो दूर से कुछ ऐसा सीन दिखता है हमारे खेत का। गाइज मैं यहाँ पे सुबह से आया हूँ और अभी तो 2:30 बज रहे हैं और अभी भी फसल में पानी चालू है। गाइज देख सकते हो ये निक से पानी जा रहा है, तो अभी कम्प्लीट ही होने वाला है एक ही घंटे में। तो गाइज पहले ही इस खेत में मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये मकाई के मैंने काश मैंने पौधे कहे थे। भाई किसी ने हमको कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो फसल होती है, तुम्हारे यहाँ तो पौधे कैसे कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ कहा था। तो गाइज पता नहीं मुझे, गाइज ये इसको पौधा नहीं बोलते क्या, मकाई के छोड़ होते हैं, छोड़ को हिंदी में क्या कहते हैं, पौधे ही तो बोलते हैं ना। अगर पूरी खेत की बात की जाए तो उसे फसल कहेंगे, क्योंकि ये हमारा पाक को हम फसल कहेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड मैं पहले आया था तो मकई बहुत बिगड़ी हुई थी, तो गाइज मैं आज खेत में आया तो फसल तो अच्छी हुई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो सूखी। गाइज 25-30 दिन में इसके डूंडे आ जाएंगे लगते हैं मेरे को, हाँ 25-30 दिन तो नहीं मगर उसके ज़्यादा भी लग सकते हैं। यहाँ पे हमने एक तार का इंतज़ाम किया है ना, बहुत ही यार, तो छोड़ो इस बात को। तो गाइस देख सकते हो ये हमारी फसल कितनी अच्छी है और आपको पूरा खेत में दिखा दूँ तो हमको वहाँ पे चढ़ना होगा, वहाँ से हम आपको व्यू दिखाते हैं। गाइस मैंने ऊपर चढ़ गया हूँ और देख सकते हो ये पीछे का व्यू है। तो गाइस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से जो हमारी ये फसल है ना अच्छी हो गई है। तो गाइस मेरे चैनल पे 399 सब्सक्राइबर है, एक सब्सक्राइबर की कमी है। तो गाइज आप लोग एक सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो और उससे ज़्यादा 400 प्लस करवा दो यार, ताकि हमको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाते रहे और आपका मनोरंजन करते रहे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।